हेलो ट्रेडर्स ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इस व्लॉग में आज आपको देखने मिलेगा मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसी के साथ साथ मैं किस तरीके से अपना सेटअप चेंज कर रहा हूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, इसी के साथ साथ सेटअप में कुछ मैं चीजें अपग्रेड कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, फर्स्ट ब्लॉग है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या चीजें अपग्रेड करनी चाहिए या कैसा आपको ब्लॉग लग रहा है, ये चीजें जरूर आप कमेंट में बताइए और भी ब्लॉग फिर मैं इसमें डालता रहूंगा। ये ब्लॉग है शायद पार्ट वन पार्ट टू में भी आ सकता है या एक साथ पूरा ब्लॉग भी आ सकता है। तो मिलते हैं हम लोग एंड में, चलिए। तो दोस्तों हम लोग ना पहुंच चुके हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको भी अब पता लगेगा कि हम लोग कितना अंदर जाते थे, कितना अंदर हमने सेटअप बनाया था। सेटअप हमने अंदर क्यों बनाया था, देखो हमारा मानना ऐसा था कि जाके हरियाली के अंदर जाके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। बट ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि जहां पर अंदर जाके हमने सेटअप बनाया ना, बिलीव मी, नेटवर्क का इशू, लाइट का इशू, हर इशू वहां पर हमको देखने के लिए मिले, जो कि हमने पहले इमेजिन नहीं किया था कि ये सारे इशू भी हमको हो सकते हैं अगर हम जितना अंदर के एरिया में जाके ट्रेड करेंगे। बट स्टिल हमने फाइनली थोड़ा सा डिसाइड किया है कि हम लोग जो है सेटअप को अभी चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइस देखो, मैं कह रहा था ना कि आपके लोग को हम लोग बहुत हरियाली सोच के अंदर जाके सेटअप बनाए थे, तो इतना जंगल है अंदर, और यही नहीं आगे थोड़ा और भी जाना है, इतना अंदर जाके हम लोग ट्रेड कर रहे थे। सो इसीलिए हम लोग को नेटवर्क इशू, लाइट का इशू बार बार हमको होता रहता था। तो हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग सेटअप के ऊपर। मैं बता देता हूँ कि सेटअप, वो देखो सेटअप हमने क्या है, 50% हमने सेटअप ऑलरेडी चेंज कर लिया है और 50% हमारा सेटअप चेंज करना अभी बाकी है। हम यहाँ पर अपने पुराने सेटअप पे पहुंच चुके हैं और मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के साइकोलॉजी का एक पॉइंट जरूर बताऊंगा। देखिए, आपके पास एक ऐसी प्लेस जरूर होनी चाहिए जहां पर आप जाओ, ट्रेड एग्जीक्यूट करो, एनालिसिस करो, ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस बुक करो एंड वहां से उठ जाओ। ऐसा नहीं कह रहा वो प्लेस आपकी बड़ा रूम होनी चाहिए, बड़ा ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, बट एक प्लेस आपकी फिक्स होनी चाहिए जो आप में सीरियसनेस लेकर आए। तो ये पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। आगे बढ़ते तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखो ये जो फ्रेम है, ये सारी फ्रेम हमको अभी लेके जानी है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स है वो भी लेके जाने हैं, हम इसको अपने न्यू सेटअप में जरूर ऐड करेंगे। और मिलते हैं आगे, मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जुड़े रहिएगा, ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला। सो ट्रेडर, सारी चीजें हमने यहाँ से हटा दिया, आप देखोगे तो वॉल पे से भी ये सारी हट रहा है। यहाँ से हमने ये सारे भी जो जो हमको लेके जाना था हमने उसको पैक कर लिया है और अब हम निकलेंगे अपने दूसरे सेटअप बनाने के लिए और मिलते हैं हम लोग वहां पे। हम लोग अपना सामान जितना भी था हमने सारा ले लिया है, आप देख सकते हो पीछे भी थर्माकोल का जितना था उतना सारा भर लिया है। ये हमारा डिस्प्ले, बाकी सामान भी पीछे ही है, इसको हमको लगाना है अभी न्यू सेटअप पे। न्यू सेटअप पे हम लोग जब लगाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यू सेटअप हमारा कैसा बन रहा है। तो ट्रेडर्स, हमने सारा सामान जो था एडजस्ट कर लिया है, अब हम न्यू सेटअप पे जा रहे हैं। न्यू सेटअप पे जाने से पहले फिर मार्केट का एक मैं ज्ञान आपको देने वाला हूँ। मार्केट का ज्ञान ये है कि उतना ही हाथ लगाओ जितना जले तो आप सेफ। अब इस समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है कि उतना ही हाथ लगाओ, अगर आपका हाथ जले तो आप सह सको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आगे के ब्लॉग में, चलिए। तो इसी तरह ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।